हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हर हर महाकाल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा पे बनी रहें। तो आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं पहुंच गई हूँ रानी दीदी के घर। नलका, यहाँ पे धनिया उनिया सब कुछ बोती थी। ये अमरूद का पेड़, उधर आंवले का है, सब भेज दियो। A few moments later, ज्योति दीदी के घर आ गए हम। ज्योति दीदी के घर आ गए हम। हेलो गाइस, आप कहाँ से आ रहे हैं? कोई कहीं नहीं जा रहा है, अब हम जा रहे हैं खौसी के पुरुआ। बाहर बैठे हुए प्रियंका रानी अभी अभी गई है। हाँ, अभी बस आएगी, बस आएगी तो उसी से चले जाना। सुबह का समय हो गया, अब हम वापस सब जा रहे हैं घर। और रानी दीदी के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा। ऐसा लगता है जैसे रानी दीदी आस पास ही हैं। तो देखो ये तुलसी के पौधे हैं, इतने सारे पौधे हैं। ये सारी तुलसी है। हाँ, काली वाली है। नहीं, ये वो वाली नहीं है, ये रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी नहीं है। ये देखें, और ये नीम का पेड़ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जब दीदी की तबीयत खराब हुई थी। रानी दीदी जब बीमार हुई थी ना, तो पहले से ही पेड़ सूखने लग गए थे। तुलसी भी सारी सूख गई थी, नीम का पेड़ और एक आंवले का पेड़ है अंदर, मतलब अंगनी आगे की साइड है, मतलब सूख गया था। और पता भी नहीं चल रहा था किसी को, इतना हरा भरा पेड़, इतना पुराना पेड़ कैसे सूख गया। तो कुछ संकेत ऐसे हो जाते हैं जो पेड़ पौधों से पता चल जाते हैं। दीदी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी भयंकर बीमारी कैंसर जैसी हो जाएगी इन्हें, और हम लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा दीदी के साथ। बच्चों का भी मन उदास हो गया, मोटी जा रही है। तीनों बच्चे, पहले तो सब रुक भी जाते थे और घर इतना चहल पहल से भरा रहता था, अब कोई रुकता भी नहीं है, सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। खराब कर दी इसने वीडियो मेरी, चीज कर दिया ना, हिला दिया। वो आ रही तेरी मम्मी की और मेरी एक वीडियो थी ऐसे ही। बुआ री बुआ, तेरे घाघरे में चुआ, फुफा खेले जुआ। क्या पैसा पैसा करती है, इधर आ पूजा ननद। ये पैसा पैसा करती है ये लड़की, पैसा पैसा करती है ये लड़की, है ना? सुभी, सुभी नाम है इसका। A few moments later, भाई ये सब आ गए भात खा के और दुल्हन को भी लेके आ गए। सभी गए थे गाड़ी के अंदर, अब दुल्हन आने वाली है, इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का। नहीं है ब्रेंडो, फोटो नहीं है। वेलकम टू बहू रानी। हाय, वेलकम। A few moments later, कविता के ससुराल हम लोग जा रहे हैं। तो बच्चे भी हैं, कविता भी है, कविता की दोनों जिठानी। कविता के घर में मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई, पर हम वहां से उसके अगले दिन आ गए। अभी घर का वीडियो है, तो मैं दीदी के साथ बैठी हूँ और आज हमारी दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है। तो भाई भी साथ जाएगा, भौजाई भी साथ जाएगी, बच्चे भी जाएंगे और दोनों मेरे बच्चे भी जाएंगे। रौनक के डैडी तो पहले ही 1 तारीख को चले गए थे, मतलब 1 तारीख को बैठे थे, 2 तारीख को दिल्ली पहुंच गए थे। तो यहाँ पर सब सारी तैयारियाँ चल रही हैं हमारी, पर हम दोनों बहनों की बातचीत जोरदार चल रही है। दीदी के दोनों बच्चे गेहूँ साफ कर रहे हैं, भरतू मशीन चला रहा है और कविता गेहूँ पछोर रही है। तो बड़ी मेहनत का काम होता है गाँव में, तो हम सब तो इतना मेहनत करना जानते ही नहीं है। शुरू से ही शहर में रहे हैं, वही
जन्म हुआ है वहीं, पढ़े लिखे सब कुछ वहीं हुआ है, पर यहाँ तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब हमने तैयारी कर ली है जाने की, पैकिंग वैकिंग कर ली है, बस अब निकलना ही है, रिक्शे वाला आने वाला है। आज हम जा रहे हैं दिल्ली। बोलो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। बस कौन मार के भागा पहले? तू क्यों मारे? तुम मारे, मैंने नहीं मारा तुम्हें। पहले तू मार के यहाँ से भागी है। इस काबे ने मारा था मेरे सामने। काव्या ने पहले मारा, मार काव्या को दोबारा से। मान जाना, क्यों मार रहा है? दिमाग खराब है क्या तेरा? मक्खियों को मार रहा है, पाप चढ़ेगा जितना मार रहा है। A few moments later. दाना पानी कार्तिक का कुणाल देखो कब विदा हुई। कार्तिक कुणाल सब आने पर होगा। आ गई गाड़ी, हमारा रिक्शा आ गया। अब हमारी जाने की तैयारी हो रही है और दिल तो नहीं कर रहा जाने का, और कभी दिल ऐसे हो रहा है कि मेरी बहन जा रही है, पर हम दोनों बहनें हैं ना, जो क्या करें, मजबूर हैं, जाना तो पड़ेगा अपनी अपनी गृहस्थी संभालने के लिए। ठंड तो इतनी हो रही है पर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी, और इतनी ज़्यादा ये हवा चल रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। गिरेगी ना। बस हम स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए स्टेशन और पता चला है कि गाड़ी लेट है। अमेठी स्टेशन पे तो हल्की फुल्की बारिश हुई है और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, इतनी हो रही है कि बहुत, और लखनऊ में तो बहुत तेज बारिश हुई है। तरीका है भीख मांगने का? रोटी कहाँ है? रोटी तो यहाँ पर अनुराग भी आ गया है, और अनुराग सबके लिए आंवला लेके आया है और सब आंवला खा रहे हैं। तो गाइज यहाँ ट्रेन हो गई है लेट, आना था कितने बजे, कितने बजे की ट्रेन थी? 6:30 बजे की ट्रेन थी, अब आएगी 12 बजे आएगी ना। तो अनुराग कह रहा था कि मौसी ट्रेन लेट है, 12 बजे रात को आएगी, तो हम कल दिल्ली पहुँचेंगे, शायद 12 या 1 बजे पहुँचेंगे, 1 या 1:30 बजे पहुँचेंगे हम ट्रेन पर। हमारा तो पोपट हो गया था, हम जैसे ही घर से निकले और पहुँच गए ठेंगा, ठेंगा पहुँचते ही अनुराग का फ़ोन आया, मौसी ट्रेन लेट है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। तो काफी इंतजार के बाद हमें ट्रेन मिली है, और वो भी 2 से 20 के बीच में रात में आई ट्रेन, और हम बैठ गए। और यहाँ देखो छोटा सा बाबू है, बहुत प्यारा बाबू है, इतना एक्टिव बाबू है। ट्रेन लेट आई है तो फिर कल हम दोपहर में ही पहुँचेंगे, 2:30 या 3 बजे करीब दिल्ली। पहुंच गए हम दिल्ली। इधर ऊपर ऐसी थी, शक्ल में 13 बज रहे हैं, 12 भी नहीं बज रहे हैं।
देखो मम्मी देखो ये कुछ फोटो मैंने वीडियो में डाल दी लास्ट में, ये सब मेमोरी है। तो इसमें हम सब जने सारे इकट्ठे हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है। और ये स्टेशन की है और सभी भांजे आए थे स्टेशन पे छोड़ने के लिए और कह रहे थे मौसी हम यहीं रुकेंगे, मेरे नहीं जाओ तुम घर पे जाओ क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी तो उनका रुकना भी ठीक नहीं है और रास्ते में बहुत सुनसान एरिया पड़ जाता है। हेलो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।